कस्टर्ड राइस खीर बनाने के लिए हम एक पैन में दूध डालेंगे, दूध को गर्म होने देंगे, दूध में एक उबाल आने देंगे, दूध में उबाल आ जाने पर मैं इसमें राइस डालूंगी। मैंने राइस को 2 घंटे के लिए पहले भिगो के रखा था। राइस को इसमें ऐड कर लेंगे। राइस डालने के बाद इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाता है, तो हम लगातार चलाते रहेंगे। और इसको राइस डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। फिर हम इसमें शुगर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ में ही मैंने 3-4 इलायची लिए, इसको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। डाल लेंगे इलायची को। और फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें दूध डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध में ऐड करेंगे। हम एक साथ दूध में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये आपस में लम्स बन जाएंगे। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें लगातार इसको चलाते भी रहना है साथ में। तो मैंने थोड़ा सा डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। और गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो कर लें। कस्टर्ड मिल्क डालने के बाद आपको इसको 2 मिनट पकाना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते भी रहना है। खीर हमारी एकदम थिक हो गई है। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बादाम डाला है और पिस्ता डाला है। मिक्स कर ले इसको अच्छे से। आप अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। आप राइस को भिगो के रखिए। ये खीर 10 से 15 मिनट में जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारी खीर बन के तैयार है। अभी हमें इसको सर्व कर लेंगे। ऊपर से पिस्ता और बादाम डाल लेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।